नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका। बात करेंगे हम इस वीडियो में इंडियन क्रिप्टो करेंसी के बिल को लेकर कि क्या नई अपडेट आ रही है और शिप बाइनू के बारे में क्या अपडेट है तथा कंप्लीट जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन क्रिप्टो करेंसी का बिल। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक्सचेंज टू एक्सचेंज जो ट्रांसफ़र है उस पर जो है रोक लगाने की बात की गई है। तथा आप लोग जानते होंगे कि जो इस साल जो विंटर सेशन में जो बिल टोटल जो डिस्कस किए जाएंगे वो लगभग जो है 26 बिल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है 26 बिल जो है इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस बिल में देखिए 10th नंबर पर है क्रिप्टो करेंसी का बिल। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10th नंबर पर जो कि क्रिप्टो करेंसी का बिल है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अब तक जो है लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 2 वीक से भी ज़्यादा हो चुका है इस विंटर सेशन को चलते हुए और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 3 बिल ही अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है इसी विंटर सीजन में डिस्कस किया जा पाएगा या नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है यानी कि 1 वीक या 2 वीक ही बचे हैं, यानी कि 23 दिसंबर तक ही चलेगा ये जो विंटर सेशन है, यानी कि तब तक ही सारी चीज़ें डिस्कस किए जानी है। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमें कि शायद जो है ये क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है वो इस विंटर सेशन में डिस्कस ही ना किया जा पाए। तो देखते हैं क्या सारी चीज़ें होंगी। तथा आगे बात करते हैं, देखिए क्रिप्टो करेंसी का मार्केट का अपडेट क्या है। तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस है वो लगभग जो है 24 आवर्स में इसमें लगभग जो है 2.5 से 3% की इसमें चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद इथेरियम, बाइनेंस कॉइन, टीथर आप लोग जानते हैं कि ये एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है और इसका प्राइस ऑलवेज जो है $1 के आसपास रहता है। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है और आप अगर ज़्यादा जो है मार्केट में जो उतार चढ़ाव हुआ करते हैं, यानी कि ज़्यादा आप लॉस नहीं करना चाहते हैं, तो आप इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सोलाना, कार्डानो, USD कॉइन, XRP, पोलकाडॉट, तो ये जो top 10 क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। और उसके बाद शिबा इनू जो है 2022 में जो है धमाल मचाने वाला है, इसको लेकर के कुछ बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है वो इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं उन न्यूज को। तो सबसे पहली जो न्यूज है शिबा इनू को लेकर के कि बिट्स स्टैम्प जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसको जो है लिस्ट किया जा चुका है यहाँ पर, कि पेप्सी जो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि कंपनी फर्स्ट NFT कलेक्शन, यानी कि पेप्सी ने भी अपना NFT जो है लॉन्च किया है। NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो पेप्सी है उसका जो पहले नाम हुआ करता था वो लगभग जो है क्या नाम था, पहले नाम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, पहले नाम इसका पेप्सी यानी कि कोका कोला ये नहीं था, पहले नाम था इसका ब्रॉड्स ड्रिंक 1893 में जब ये बनाया गया था तब। और उसके बाद जब 1898 में जब इसको दोबारा जो है इसका नाम दिया गया था पेप्सी कोला और फिर कोका कोला, यानी कि दो इसके मोस्ट जो है फेमस इसके ब्रांड हैं ड्रिंकिंग के। तो दोस्तों ये रही कुछ आज की अपडेट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में और बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार, जय।